हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द टेल्स ऑफ एडवेंचर। तो दोस्तों, आज अभी इस वक्त मैं जा रहा हूँ वैक्सीन लगवाने, और सुबह से सोचा था जल्दी से व्लॉग बनाऊंगा, जल्दी उठूंगा और व्लॉग बनाऊंगा, पर इतना लेट हो चुका हूँ। तो भाई, आपको पता ही है कि लड़कों की आदत, टाइम पे तो कभी पहुँचना होता ही नहीं है। सही बात है। तो ऐसी आज 12 से 1 का स्लॉट था और 12:30 अभी यही हो रहे हैं, और अभी यहाँ से 15-20 मिनट का सफर है। देखो क्या होता है दोस्तों, आगे जल्दी जल्दी चलाता हूँ गाड़ी। आ चुका था यहाँ वैक्सीन के लिए, पंगा यही है, सबसे पहले टेस्ट होगा तो उसके लिए फॉर्म भर के मैंने उधर सबमिट करा दिया है। तो जब तक लंबी लाइन है, टेस्ट होने में टाइम लगेगा, तब तक कुछ खा पी के आते हैं बाहर से। तो अभी मैं आया हूँ बाहर, तो यहाँ क्या है कि पहले कोविड टेस्ट होगा, पहले उसके लिए फॉर्म मैंने भर के दे दिया अपना सारी डिटेल के साथ। जब तक इतनी लंबी लाइन है, जब तक टेस्ट होगा फिर वैक्सीन लगेगी, मैंने सोचा तब तक थोड़ी पेट पूजा कर लिया है, क्योंकि वैक्सीन से पहले अच्छे से पेट पूजा होनी चाहिए। तो कुछ खा पी लेते हैं। अभी हम रुके हैं यहाँ पे बल्लू भाई स्पेशल बिरयानी पे। बल्लू भाई की स्पेशल वेज बिरयानी खाएंगे। ये है बल्लू भाई की वेज बिरयानी, और टेस्ट करके देखते हैं कैसी है ये। एक नंबर बिरयानी भाई साहब। एक तो गर्मा गर्म मस्त, मेरी जान इतनी टेस्टी गर्मा गर्म बिरयानी, मजा आ गया। बल्लू भाई तुम्हारे परमानेंट कस्टमर बन गए। वे बिरयानी के साथ अभी मठा सर्व आनंद भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, आप बना भी रहे। दोबारा मैं तो पहले देख रहा हूँ, आ जाओ फिर लग गई है। अभी आपने देखा यहाँ से मेरे टेस्ट हुआ नाक में, हो गया काम। अब मेरे को जाना, ये स्लिप मिली है, अब मैं जा रहा हूँ वैक्सीन लगवाने आगे की तरफ। तो वैक्सीन लगवाते हैं। यहाँ का प्रोसीजर थोड़ा अलग है कि यहाँ पे टेस्ट हो रहा है, बाकी कहीं और जगह नहीं हो रहा। हो सकता है अलग अलग जगह का अलग अलग फंडा है। तो अब पहले वैक्सीन लगवाते हैं। तो भाई हमें लग चुकी है वैक्सीन। वैक्सीन लगाने के बाद पूरे आधा घंटा हमने वेट कर लिया है, और पूरा आधा घंटा वेट करने के बाद तो हम चलते हैं अपने घर। फाइनली तुम्हारे भाई को भी लग चुकी है वैक्सीन। अब तुम्हारा भाई भी है वैक्सीनेटेड। पापा की मैं आप सोच रहा था आप सबको एक बार रिव्यू दे दूं। आधे घंटे से ज़्यादा रुका मैं, 2:30 बजे करीब इंजेक्शन लगा, और 3:10 तक मैं रुका वहाँ पे, वेट किया मैंने। और मुझे तो कुछ भी ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा लगवाने, मुझे तो ये भी नहीं पता लग रहा कि मैंने कुछ लगवाया है, ना पेन है इधर, ना कुछ है, ना मेरे हेडेक है, ना कुछ है, और बिल्कुल नॉर्मल लग रहा अभी तक। तो देखते हैं दोस्तों रात तक ऐसा नहीं हो कि बुखार वगैरह आए। अभी तो मेरे को बिल्कुल कुछ फील नहीं हो रहा, एकदम मस्त फील हो रहा। अच्छा हुआ था मैंने वैक्सीन लगवाने से पहले खा लिया था, क्योंकि उससे थोड़ी एनर्जी मिलती रही। तो अब मैं थोड़ा बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, वैक्सीन लग गई। अब चलते हैं घर, अपना आराम करते हैं दोस्तों, बहुत थक गया मैं आज। तो भाइयों, तुम्हारा भाई भी हो चुका है वैक्सीनेटेड,
और जैसे कि क्या हुआ कल मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ा कि क्या हुआ कैसे मेरे को कोई सिम्टम्स आए नहीं आए, फीवर आया नहीं आया, वो मैं भी आपको आगे बताता हूँ। उससे पहले दोस्तों मैंने अमेजोन से एक बढ़िया चीज़ मंगवाई है कि अनबॉक्सिंग आप सबके सामने करूँ, अच्छे से अनबॉक्सिंग करूँ और जैसे टेक्निकल गुरुजी करते हैं, टेक्निकल गुरुजी बन गए और नहीं सॉरी टेक्निकल गुरुजी तो नहीं बन सकते सॉरी, बट गुरुजी का आशीर्वाद रहेगा तो अनबॉक्सिंग हम बहुत बढ़िया करेंगे। और अनबॉक्सिंग आज हम करने वाले हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, उससे पहले हमें चाहिए फटाफट सेटअप, तो लगाते हैं हम सेटअप। आज चुकी अपनी अनबॉक्सिंग की टेबल और इस पे करने वाले आज हम अनबॉक्सिंग, तो अनबॉक्सिंग किस चीज की करनी है, हाय आ चुका है अपना अनबॉक्सिंग का पैकेट अपने पास, तो आज हम करने वाले हैं इसकी अनबॉक्सिंग, तो इसमें क्या निकलेगा जल्दी से इसको खोलते हैं बिना देरी करें। अपना अनबॉक्सिंग का आ चुका है अपना मीवी ड्यूपोर्ट A25, तो हम अनबॉक्सिंग करने वाले थे इसकी भाइयों, तो वो है ये, तो इसको खोल के देखते हैं इसमें क्या क्या निकलता है बॉक्स के अंदर। इसके अंदर सबसे पहले बॉक्स ओपन करते ही शानदार सा कुछ ऐसे ही निकलता है, और तो ये निकलते हैं बॉक्स खाली से, ठीक है। इसके बाद आती है इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज इसमें ये है 1 ईयर की वारंटी रजिस्ट्रेशन, जिसको व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करके अपनी वारंटी को एक्टिवेट करवा सकते हैं, 1 साल की वारंटी है इसमें, ठीक है। और वेलकम टू द क्रू, अब हम क्रू है एक यूजर मैनुअल जिसकी हमें जरूरत नहीं, उसे हम बचपन से पढ़े लिखे थे दोस्तों। और अब निकलता है इस बॉक्स के अंदर मीवी के प्योर बॉक्स, इसमें निकलती है एक छोटे से बॉक्स में, इसमें निकलती है USB टाइप सी की केबल निकलती है चार्जिंग के लिए, ठीक है। इसको भी हम साइड में रखते हैं, एक छोटी काम की चीज़ है, बॉक्स खाली हो चुका है। तो ये आते हैं मेन चीज पे, ये है मीवी के ड्यूओ पॉड्स, बहुत प्यारा है इसका कलर है, बहुत प्यारा इसका शेप है, एकदम कैप्सूल की तरह, वाकई इसका शेप बहुत प्यारा है, ये देखो आप कितना प्यारा शेप है इसका। इसके अंदर निकलते हैं मीवी के दो प्यारे से ईयरपॉड्स, आपको कैसी लगी ये अनबॉक्सिंग, अगर अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अब दोस्तों मैं भाइयों ये बता रहा था कि वैक्सीन, जैसे मैंने कल वैक्सीन लगवाई थी और वैक्सीन लगवाने के बाद मैं घर आया, नॉर्मल मैंने काम किया, मुझे कोई सर दर्द या कोई हेडेक या बॉडी एक या फीवर कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, बस कल रात को थोड़ा सा हेडेक हुआ और थोड़ा सा बॉडी एक हुआ था, उसके बाद मैं बिल्कुल नॉर्मल था। अगले दिन हो चुका है और 4 बज रहे हैं, अब मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, बिल्कुल बैक टू नॉर्मल, जैसे पहले था बिल्कुल वैसा ही हूँ, एकदम फर्स्ट क्लास, कोई कमी नहीं लग रही, कुछ नहीं लग रही। तो जो फालतू की अफवाहें फैला रहे हैं वैक्सीन ना लगवाएं, वो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जाओ वैक्सीन लगवाओ, अपने आप को लगवाओ, अपने दोस्तों को लगवाओ, अपनी सारी फैमिली को लगवाओ। जो लोग वैक्सीन को लेकर आशंका पैदा कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, वो भोले भाले भाई बहनों के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसी अफवाहों से सतर्क रहने की जरूरत है। मैं भी आप सब से, समाज के प्रबुद्ध लोगों से, युवाओं से अनुरोध करता हूं कि आप भी वैक्सीन को लेकर जागरूकता बढ़ाने में सहयोग करें, जाके वैक्सीन लगवाना जरूरी है, क्योंकि जितनी जल्दी वैक्सीन लगेगी सबको उतनी ही जल्दी इंडिया कोरोना फ्री हो जाएगा और हम अपनी बैक टू नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे, जैसे हम पहले जीते थे वैसे जी पाएंगे, जहां जाना है वहां घूमेंगे, बिना मास्क के घूमेंगे। तो प्लीज जल्दी सब वैक्सीन लगवाओ और सब वैक्सीनेटेड हो जाओ। और किस किसने वैक्सीन लगवा ली है एक बार मेरे को कमेंट में और जरूर बताना, जो जो व्यूज देख रहे हैं, मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना जितना हो सके। और दोस्तों जो जो देख रहे हैं और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और ये घंटा जरूर दबा देना बेल आइकन, जिससे अगली वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी।